दोस्तों, रशिया और यूक्रेन का युद्ध हर दिन नए मोड़ ले रहा है। पश्चिमी देश सब एक साथ आकर यूक्रेन को फाइनेंशियल और वेपन सपोर्ट दे रहे हैं। आप में से ज्यादातर लोगों को ये लग रहा होगा कि रशिया का हालत खराब हो रहा है, लेकिन ये सच नहीं है। नमस्कार दोस्तों, जय जगन्नाथ, जय पंचसखा। आशा करता हूँ सब लोग स्वस्थ हैं, अच्छे हैं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से कर दीजिए, नोटिफिकेशन का घंटा भी दबा दीजिए, क्योंकि मैं हर दिन ओडिशा के दिव्य और महान संत गुरु पंच सखाओं के द्वारा रचना की गई ग्रंथों की माला मालिका पर चर्चा करता हूँ, जो कि इस कलयुग का एकमात्र अमृत है। आज का नया अध्याय आरंभ करते हैं। जय और पराजय का विचार छोड़ के कर्तव्य पर ध्यान दो, डर अपने आप दूर हो जाएगा। दोस्तों, हम सबको ये नहीं भूलना चाहिए कि ये कलयुग का अंतिम समय है। कलयुग जहां जो दिखता है वो सच नहीं होता। झूठ, पाप, अन्याय, अत्याचार का युग। गुरु अच्युतानंद जी ने बार बार कई सारे ग्रंथों के माध्यम से कहा है कि 90% लोग झूठे हैं, पापी हैं, अधर्मी हैं। सिर्फ 10% लोग सत्य का, धर्म का पालन कर रहे हैं। जब रशिया ने यूक्रेन पर आक्रमण का आरंभ किया, युद्ध का आरंभ किया, पश्चिमी देशों ने पहला स्टेप क्या लिया, पहला कदम क्या लिया? पश्चिमी देशों ने सबसे पहले रूस के यूट्यूब चैनल्स को बैन किया, न्यूज़ चैनल्स को बैन किया, ताकि पूरी दुनिया के सामने सच आ ही ना पाए और पूरी दुनिया सिर्फ एक तरफा बात ही जान पाएगा। यानी जैसा पश्चिमी देश चाहेंगे ठीक वैसा खबर ही दिखेगा। फलस्वरूप अभी जो न्यूज़ में, समाचार में दिखाया जा रहा है एक प्रोपेगेंडा के तहत, ये बिल्कुल भी सच नहीं है। यूएसए और नाटो जिस जाल में रूस को फंसाना चाहते हैं, ठीक उसका उल्टा हो रहा है। यानी पुतिन के जाल में सारे पश्चिमी देश फंसते जा रहे हैं। पुतिन एक नए वर्ल्ड ऑर्डर को खड़ा कर रहा है और धीरे धीरे एक के बाद एक देशों को अपने तरफ ला रहा है। पुतिन जो युद्ध के आरंभ में अकेला दिख रहा था, आज उसके तरफ एक के बाद एक देश जुड़ते ही जा रहे हैं। लिस्ट बताऊं क्या? ध्यान से सुनिए दोस्तों, रशिया के तरफ कौन से देश जुड़ चुके हैं? आर्मेनिया, ईरान, सीरिया, बेलारूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, क्यूबा, यूएई, वेनेजुएला, ताजिकिस्तान, नॉर्थ कोरिया, निकारागुआ, चाइना और ब्राजील। कितने हुए? 14 देश, 14 कंट्रीज। इंतजार कीजिए दोस्तों, और भी जुड़ेंगे। और सबका टारगेट एक ही है, कौन? यूएसए। यूएसए के बाद कौन है? यूरोप। दोस्तों, जैसा मैंने पहले कहा था कि हर युग का समय निर्धारित होता है, उस युग में घट रहे पाप कर्मों से, अन्याय अत्याचारों से। विश्व युद्ध जब होगा तो लगभग 1.5 से 2 साल तक चलेगा, लेकिन यूएसए पर रूस परमाणु बम उससे पहले ही गिरा सकता है। आखिर ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि मुसीबत का जड़ यूएसए है। अगर उसे पहले ही हटा दिया गया तो रशिया को और आसानी होगी विश्व युद्ध में यूरोप को कब्जा करने के लिए। और अभी यूएसए जो सिचुएशन
क्रिएट कर रहा है, बना रहा है रशिया के खिलाफ, चाहे फाइनेंशियल सैंक्शंस हो, प्रोपेगेंडा फैलाना हो, रशिया मजबूर हो जाएगा यूएसए पर न्यूक्लियर अटैक करने के लिए। और मुझे 1% भी नहीं लगता पुतिन पीछे हटने वाला है। ऊपर से यूएसए के पास अभी तक रशिया के न्यूक्लियर अटैक को रोकने का कोई भी उपाय मौजूद नहीं है, बल्कि रूस के पास, रशिया के पास जरूर मौजूद है। तो दोस्तों, यह है मेरा खुद का क्रिटिकल एनालिसिस। आगे आगे देखते हैं क्या क्या होता है। आशा करता हूँ मेरे वीडियोस आपको पसंद आती हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट भी ज़रूर कीजिए। जय जगन्नाथ, जय पंचसखा, जय हिंद।